ये है Redmi K20 Pro, the new flagship killer. लेकिन एक मिनट रुको, सच में I know, आप सभी लोग प्राइसिंग को लेके थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर होंगे. तो मैंने सोचा यार, मैं भी अपनी ओपिनियन देता हूँ यहाँ पर. मुझे ये फोन कैसा लगा, इसका डिस्प्ले डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी कैसा लगा, कैमरा कैसे लगी, परफॉर्मेंस या फिर ओवरऑल फोन मुझे कैसा लगा. साथ में यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मुझे इस फोन में क्या चीज़ें अच्छी लगी और किन चीज़ों से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ. वेल, जानना चाहते हो, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है. तो Redmi K20 Pro में आपको दिया गया है 6.39 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले जो आता है Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ. यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा अ बिग थम्स अप. जी हाँ, जो डिस्प्ले है कमाल का है, आउटस्टैंडिंग है. यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह के वीडियोज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो कमाल का मिलने वाला है. यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा दे रखा है जिसकी वजह से जो फ्रंट स्क्रीन है वो आपको फुली बेजललेस लगेगा. इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है. मतलब ये है कि यहाँ पर आप YouTube पे या फिर Netflix पे जो भी HDR कंटेंट है उसे एंजॉय कर सकते हो. यही नहीं, यहाँ पर आप गेमिंग करते वक्त भी यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग. पर्सनली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. अब बात करते हैं हम इस फोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की. तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस फोन में आपको बैक साइड में ग्लास बैक दे रखी है जो आता है Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इस फोन की डिज़ाइन की तो यहाँ पर मैं कहूँगा डिज़ाइन इज प्रिटी गुड. यहाँ पर आपको जो इन हैंड फील मिलता है That is truly amazing. जी हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने इस फोन को हाथ पे लिया यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ क्योंकि ये जो फ़ोन है वो आपको वाकई में प्रीमियम फील करवाता है. यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन मिलता है प्रीमियम है, जो फील है वो भी प्रीमियम है. तो नो डाउट आपको जो इन हैंड फील मिलता है दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इस फोन के यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं कहूँगा अभी भी ये जो मुझे है थोड़ा सा स्लो लगा. बट जितने भी अभी तक मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर देखे हैं उनसे मैं कहूँगा काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव भी है. जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो टच करते ही जो आपका फ़ोन है वो कहूँगा कुछ पॉइंट सेकेंड्स का समय ले लेता है लेकिन फ़ोन को ईजिली अनलॉक कर देता है. इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक और बात अच्छी ये लगी कि यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट दे रखा है और साथ में यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक भी दे रखा है जो कि आपको ज़्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर हमें Redmi K20 Pro में दिया गया है विच इज़ गुड. तो ओवरऑल अगर हम बात करें Redmi K20 Pro के डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पर मेरे तरफ से तो यार बिग थम्स अप. अगर आपको भी पसंद आया Redmi K20 Pro का डिस्प्ले डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार एक लाइक तो बनता है. अब बात करते हैं हम Redmi K20 Pro के कैमरे की. तो Redmi K20 Pro में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा दे रखा है. एक दे रखा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो आता है Sony IMX586 सेंसर के साथ. यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दे रखा है और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दे रखा है. तो ये कुछ कैमरा सैंपल है जो इस फोन के रियर कैमरे से क्लिक की गई है. इसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर में Redmi K20 Pro का रियर कैमरा कैसा है. टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे तो इस फोन का जो रियर कैमरा है वो कमाल का लगा और ये कमाल की पिक्चर्स क्लिक करता है नो डाउट. यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो डायनेमिक रेंज है कमाल की आपको देखने को मिल जाता है. जो वाइड एंगल शॉट है वो भी आपको कमाल के देखने को मिल जाता है. साथ में यहाँ पर आप क्लोजअप शॉट को भी दे सकते हो. यहाँ पर आपको जो डिटेलिंग है, जो सैचुरेशन है वो आपको वेल मेंटेन देखने को मिल जाता है. तो ओवरऑल अगर आप इमेज देखोगे तो ये आपको काफी इंप्रेसिव इमेजेस देता है जैसा कि आप देख सकते हो. तो अभी जो फिलहाल वीडियो रिकॉर्डिंग है ये Redmi K20 Pro के रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है. तो यहां पर आप इस फोन से 720p 1080p और 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो. चलिए अब हम यहां पर ऑटो फोकस चेक करते हैं ऑटो फोकस कैसी है. तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑटो फोकस है वो भी काफी अच्छी तरीके से कर लेता है. आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे वीडियोस को रिकॉर्ड करता है. यहाँ पर मुझे तो पर्सनली ये काफ़ी बढ़िया लगा. बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इसका जो रियर कैमरा है इससे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कैसी लगी. तो यहाँ पर आपने देखा Redmi K20 Pro की वीडियो रिकॉर्डिंग को. तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑटो फोकस है वो भी आपको फिलहाल तो काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है. साथ में यहाँ पर आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है. जो ओवरऑल वीडियो है वो भी आपने देख लिया और मैं कहूँगा मुझे तो पर्सनली वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी पसंद आया. बाकी यहाँ पर मैं
फुल रिव्यू करूंगा, जब मैं अपने फुल रिव्यू में इस कैमरे को अच्छे से टेस्ट करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा है या फिर कह लो ओवरऑल कैमरा है वो कैसा है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आप रेडमी K20 Pro के फुल रिव्यू को देखना चाहते हो। अब बात करते हैं हम रेडमी K20 Pro के सेल्फी कैमरे की। तो इस फोन में आपको दे रखा है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि देखने में वाकई में कमाल का लगता है। क्योंकि यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, जब आप पॉपअप सेल्फी कैमरे को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको जो लाइट देखने को मिलता है तो वो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। साथ में यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरे में स्क्रीन प्रोटेक्शन भी दे रखी है, ताकि जो कैमरा है उसमें किसी भी तरह का स्क्रैच ना लगे, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस फोन के सेल्फी कैमरे से ली गई है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर में रेडमी K20 Pro का सेल्फी कैमरा कैसा है और कैसे इमेजेस को कैप्चर करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कहूँगा जो सेल्फी कैमरा है वो काफ़ी कमाल की सेल्फीज क्लिक करता है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको 960fps स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप ट्रूली अमेजिंग स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पर Redmi K20 Pro के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको नो डाउट जो प्रोसेसर दे रखा है ये कमाल का है। ये आता है Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर, जो कि ट्रूली अमेजिंग एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो भैया यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं आने वाली, आपको परफॉर्मेंस को लेके बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप हैवी से हैवी गेमिंग ईजिली स्मूथली कर सकते हो, आपको किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो भैया प्रोसेसर के लिए तो यार एक बिग थम्स अप। स्टोरेज रैम और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो फ़ोन है दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। एक है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस है वो है 27,999 रुपये। और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस है वो है 30,999 रुपये। आई नो आप सभी लोग इसके प्राइस को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे, इवन मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने इवेंट पर लाइव इसकी प्राइस को सुना। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Xiaomi अपने Redmi K20 और K20 Pro को इस प्राइस में लॉन्च करेगा, जिससे जो यूज़र है, जो Xiaomi के फैंस है, वो थोड़े से डिसअपॉइंट ज़रूर हुए। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो Redmi K20 Pro है शायद ये जो 25,000 से 26,000 के अराउंड इसकी प्राइस होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो है 27,999 यानी 28,000 रुपये, जो मैं कहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी दे रखी है, जो आता है फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पर आपको 27W फास्ट चार्जिंग तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। OS की बात करो तो यहाँ पर आपको इस फोन में MIUI 10 देखने को मिल जाता है, जो कि Android 9 पे बेस है। तो ये था कंप्लीट Redmi K20 Pro। आई नो आप सभी लोग थोड़े से डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे, और आपका हक भी बनता है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है Xiaomi से वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और हम सभी लोगों को पता है कि Xiaomi जो हमें प्राइस पॉइंट पे हमें प्रोवाइड करता है वो कोई दूसरा ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। इसी वजह से जो एक्सपेक्टेशन है ना वो हमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिससे इस बार Xiaomi ने जो प्राइस है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है और सभी लोग डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन एक नज़र अगर आप ध्यान से देखोगे इसके स्पेसिफिकेशन पे, जी हाँ, यहाँ पर आपको 855 प्रोसेसर दे रखा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, पॉपअप सेल्फी कैमरा दे रखा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स कैमरा दे रखा है, ग्लास बैक दे रखा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन दे रखी है। साथ में यहाँ पर आपको जो कैमरा है कमाल का दे रखा है। तो ओवरऑल देखोगे ये एक पावरफुल पैक स्मार्टफोन है, जो चीज़ हमें चाहिए पर्सनली एक स्मार्टफोनों के अंदर वो सारा का सारा आपको यहाँ पर Redmi K20 Pro में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड से कंपेयर करोगे, जो सेम स्पेसिफिकेशन है यही आपको 40,000 से 50,000 रुपये में प्रोवाइड करी है, जबकि जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर हमें आई नो यार जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है इस हिसाब से, जिस हिसाब से Xiaomi अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है इंडिया में, क्योंकि जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। बट स्टिल देखा जाए तो मैं कहूँगा जो 28,000 इसकी प्राइस है, इसके हिसाब से जो हमें स्पेसिफिकेशन मिल रहा है ये फ़ोन बुरा नहीं है। पर्सनली मुझे तो फ़ोन पसंद है, बट यहाँ पर मैं फिर भी कहता हूँ जो प्राइस है अगर 1,000-2,000 रुपये कम हो जाता आप, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो डिवाइस है एक ट्रूली वैल्यू फॉर मनी रहता। बट स्टिल जो प्राइस के हिसाब से हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे तरफ से यार Redmi K20 Pro को यार एक बिग थम्स अप। बाकी ये था मेरा ओपिनियन, बाकी आप लोग बताओ कि आपको Redmi K20 Pro कैसा लगा। जो भी प्राइस है इसकी 28,000 रुपये, क्या इसके हिसाब से क्या ये फ़ोन ट्रूली वैल्यू फॉर मनी है? क्या है आपके ओपिनियन Redmi K20 Pro को लेके या फिर Redmi K20 को लेके? जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, वीडियो को शेयर कर देना, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना, जो भी सवाल आप मुझे वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हो। और मिलता हूँ मैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।